सुनो, जलजला क्यों आता है? जलजला कुछ जो लोग हैं उनका इल्म जो है वो यहीं तक महदूद है कि ज़मीन में जो प्लेटें होती हैं वो जब हिलती हैं तभी जलजले आते हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इसकी वाज़ह निशानी रखी है और वाज़ह तौर पर जो है ना वो बयान किया। और मैं आपको बताती चलूँ कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से एक रिवायत है कि अल्लाह पाक ने जब ज़मीन बनाई तो एक मछली को हुक्म दिया, फिर उस मछली ने ज़मीन को उठा लिया और कहने लगी कि मैंने अपनी कुव्वत से ज़मीन को उठा रखा है। फिर अल्लाह पाक ने एक बारिश मछली को भेजा और उसको इस बड़ी मछली के नरखरे में दाखिल कर दिया, तो वो 40 दिन तक इसकी तकलीफ से तड़पती रही। और जब अल्लाह पाक किसी ज़मीन पर जलजले लाने का इरादा करता है तो इस एक बालिश मछली को इस बड़ी मछली के नरखरे में दाखिल कर देता है और इसकी तड़प की वजह से ज़मीन हिलने लगती है। और मैं आपको बताती चलूँ कि दुनिया के तमाम शहरों का हर शहर इस मछली के किसी न किसी एक फलस और छिलके पर है। और जब अल्लाह पाक फिर इरादा करता है कि किसी शहर या ज़मीन पर जलजला लाए तो वो इस बड़ी मछली को फिर हुक्म देता है और वो अपनी फलसी को हरकत देती है और फिर जलजला आ जाता है। और वो हुक्म खुदा से अगर अपने फलस को ऊपर की जानिब उठा दे तो सारी ज़मीन मुनकलिब हो जाए। और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जलजले के वक्त इस आयत को पढ़ा करते थे, सूरह फातिर की आयत नंबर 41 का तर्जुमा, कि यकीनन अल्लाह पाक आसमानों और ज़मीनों को रोके हुए है कि वो दोनों अपने मुकाम से हट ना जाएं, और वो दोनों अगर हट गए तो अल्लाह पाक के अलावा कोई भी इसे रोक नहीं सकता, यकीनन वो बहुत बुर्दबार और बख्शने वाला है। इसके अलावा मौला अली एक और आयत की तलावत किया करते थे, सूरतुल हज आयत नंबर 65, तर्जुमा, और इसने आसमान को इस बात से रोक रखा है कि वो उसके हुक्म के बगैर ज़मीन पर गिर ना पड़े, यकीनन अल्लाह पाक अलबत्ता लोगों पर बड़ा रहमान है और मेहरबानी करने वाला है। फिर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर ज़मीन हरकत में आ जाए तो फौरन से सजदे में जाओ और ये कहो कि ऐ वो ज़ात जो आसमानों और ज़मीनों को उसकी जगह से हट जाने से रोके हुए है, और अगर बिलफर्ज वो अपनी जगह से हट जाएं तो उस ज़ात के अलावा इनको कोई रोक नहीं सकता, बेशक वो बड़ा बुर्दबार और बख्शने वाला है। सूरह फातिर आयत नंबर 41, हम लोगों को इस मुसीबत से बचा ले, बेशक तू हर शय पर कादिर है।